अगर आप रेल से सफर करते हैं तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, क्योंकि आधे घंटे तक आपके मतलब की बात होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधन न्यूज स्पेशल और आपके साथ मैं हूं अंशुली भंडारी। यूपी 2 का अंतरिम रेल बजट जोरदार हंगामे के बीच शुरू हुआ और हंगामे के चलते ही रेल मंत्री पूरा रेल बजट पढ़ तक नहीं सके। फिर भी चुनावी मौसम में रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो रेल बजट पेश किया उसे चुनावी रेल से जोड़कर देखा जा रहा है। रेल मंत्री के पिटारे से अंतरिम रेल बजट में क्या कुछ निकला, इसी को लेकर हम खास पेशकश में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खास पेशकश चुनावी रेल। तो चलिए चर्चा शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले देखते हैं रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने रेल यात्रियों को क्या कुछ दिया। तो दो नई ट्रेनें, तो देश भर में 72 नई ट्रेनें, जिसमें 17 प्रीमियम ट्रेनें, उसके बाद 38 एक्सप्रेस ट्रेन, 10 पैसेंजर ट्रेन, 4 मेमू ट्रेन और 3 डेमू। हालांकि यात्री किरायों में कोई भी जो बदलाव है वो नहीं किया गया। चलिए तो इस अंतरिम रेल बजट में यूपी के लिए क्या कुछ रहा वो आपको दिखाते हैं। तो रायबरेली में नया रेल कारखाना, ये इस अंतरिम रेल बजट में दिया गया है। बांद्रा लखनऊ एक्सप्रेस साप्ताहिक होगी, ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है। उसके बाद कानपुर बांद्रा एक्सप्रेस, ये भी साप्ताहिक होगी। उसके बाद गोरखपुर कानपुर एक्सप्रेस साप्ताहिक है ये भी। अहमदाबाद इलाहाबाद एक्सप्रेस, इसे भी साप्ताहिक रखा गया है। और बरेली भोपाल एक्सप्रेस साप्ताहिक। इसके बाद आपको बता दें गोरखपुर पुणे एक्सप्रेस साप्ताहिक रखा गया है। गोरखपुर न्यू दिल्ली वाया लखनऊ, फिर मुरादाबाद, उसके बाद मुंबई गोरखपुर वाया झांसी कानपुर। और इस अंतरिम रेल बजट में उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड के लिए क्या कुछ है वो आपको दिखाते हैं। दो नई, महज दो नई ट्रेनें दी गई हैं उत्तराखंड को सिर्फ। तो एक बार फिर से उत्तराखंड को निराशा ही हाथ लगी है इस अंतरिम रेल बजट में। सिर्फ दो नई ट्रेनें दी गई हैं उत्तराखंड को। आपको बता दें यूपी 2 का ये आखिरी रेल बजट है और इस अंतरिम रेल बजट में उत्तराखंड के हाथ सिर्फ और सिर्फ दो नई ट्रेनें ही हाथ लग पाई हैं। तो लोगों को काफी उम्मीदें थी इस अंतरिम रेल बजट से, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तराखंड की अगर बात कर ली जाए तो सिर्फ दो नई ट्रेनें ही उत्तराखंड को दी गई है। निराशा लोगों को हाथ लगी है। आपको बता दें कि रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे का यह चुनावी बजट आया और चला भी गया, लेकिन लोगों को इसमें कुछ भी नया नहीं मिला। और इस अंतरिम रेल बजट में क्या कुछ प्रतिक्रियाएं रही लोगों की, क्या कुछ लोगों ने कहा, इसका जायजा लिया देहरादून संवाददाता हिमांशु चौहान ने। और दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहा लोगों ने। तमाम यात्री ट्रेन से आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की यदि बात की जाए तो लोगों को एक निराशा ही हाथ लगी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं उत्तराखंड के ही, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या जो केवल दो ट्रेनें उत्तराखंड को मिली हैं आपको क्या उम्मीद है। वो ट्रेन मिलनी चाहिए क्योंकि यात्री को आने में दिक्कत होती है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि उत्तराखंड के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें बढ़ाई जाए।
जाहिर है उत्तराखंड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें बढ़ाई जानी चाहिए। केवल 2 ट्रेनें मिली हैं, केवल काठगोदाम से लखनऊ और रामनगर से ऋषिकेश, कुछ और हैं। आपकी क्या उम्मीदें थी कि उत्तराखंड को और ट्रेनें मिलनी चाहिए? भौगोलिक स्थिति से पहाड़ में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम 4-5 ट्रेनें और मिलनी चाहिए थी, क्योंकि तंगी काफ़ी है, भीड़ बहुत आ रही है, गाड़ी में बड़ी परेशानी होती है यात्रियों को। जाहिर है भौगोलिक स्थिति की यदि बात की जाए तो पहाड़ बहुल पूरा प्रदेश है, लोगों को खासी उम्मीदें रहती हैं, लेकिन कम ट्रेन होने की वजह से भीड़ ट्रेनों में खासी रहती है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आज जो बजट पेश किया गया है, 2 ट्रेनें मिली हैं उसमें उत्तराखंड को, आप क्या सोचते हो कि 2 ट्रेनें जो मिली हैं काफ़ी कुछ हैं या और मिलनी चाहिए? नहीं, और मिलनी चाहिए उत्तराखंड को, और मिलना चाहिए, और ट्रेन के अंदर चालू डब्बे और बढ़ाने चाहिए। कहीं ना कहीं लोग उम्मीद जरूर कर रहे हैं कि उत्तराखंड के हाथ जो कुछ लगा है वो कहीं ना कहीं कम जरूर है। देहरादून से कैमरामैन आशीष भट्ट के साथ मैं हिमांशु चौहान, साधना न्यूज़। तो उत्तराखंड के लोगों का कहना था कि कुछ ट्रेनें और दे दी जाती तो थोड़ा सुकून जरूर उत्तराखंड के लोगों को मिल जाता। चलिए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पंकज पांडे इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। पंकज, यूपीए 2 का ये अंतिम बजट था, रेल बजट था, उसके बाद अगर रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे को देख लिया जाए तो उनका ये पहला रेल बजट था, लेकिन कहीं ना कहीं ये अंतिम रेल बजट था। लेकिन सबसे पहले दर्शकों को ये समझाना चाहेंगे आपके माध्यम से कि बजट तो, रेल बजट तो पेश होता ही रहा है, लेकिन ये अंतिम रेल बजट, इसके बारे में आप दर्शकों को समझाइए पहले। ऐसे में जो भी नई सरकार आएगी वो पूरा बजट जो है वो पेश करेगी, इसलिए सिर्फ अगले 3 से 4 महीने के लिए जो है अंतरिम बजट पेश किया जाता है। और ये विशेष परिस्थिति में होता है जब चुनाव होते हैं या युद्धकाल होता है या फिर किस तरह की आपदाएं होती है, उस दौरान हम अंतरिम बजट पेश करते हैं। इसकी एक वैलिडिटी होती है अमूमन, जो इसके दौरान वोट ऑन अकाउंट भी इसे कहते हैं, क्योंकि इसमें हम जो भी खर्च करना होता है रेलवे के लिए या फिर आम जो देश के लिए खर्च करना होता है उस बजट में, हम वो पार्लियामेंट के कंसोलिडेटेड फंड जो होता है उसके जरिए, उस पार्लियामेंट के जरिए हम उस फंडिंग करवाते हैं, उसके लिए वोटिंग करवाते हैं, इसलिए वोट ऑन अकाउंट भी इसे कहते हैं। तो ये वोट ऑन अकाउंट ही था, अंतिम बजट था ये, यूपी 2 का अंतिम बजट भी इसे कह सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का पहला बजट भी आपने बिल्कुल सही कहा, ये बिल्कुल पहला बजट था उनका, और यूपी 2 का ये आखिरी बजट है। अंतिम बजट इसलिए था क्योंकि ये अब लोकसभा चुनाव होने हैं तो अगले 4 महीने तक के लिए इसकी वैलिडिटी मानी गई है, और करीब 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 30,000 करोड़ की जो है वोटिंग जो कंसोलिडेटेड फंड के जरिए जो इस रेल बजट में ली गई है, तो इसलिए हम अंतिम बजट कहते हैं। और जो नई सरकार आएगी वो पूर्ण बजट लेकर आएगी, जब नई सरकार का गठन हो जाएगा, नया लोकसभा का गठन होगा, नया सदन जब बनेगा बैठेगा उसके दौरान फिर लेखानुदान लाकर बाकी के जो कार्यकाल जो है साल के बचे हुए वो जो है वो पारित किए जाएंगे, पेश किए जाएंगे और पारित करवाए जाएंगे, तो वो हो जाएगा, पूरा बजट हो जाएगा। जी बिल्कुल। और हमारे साथ अब बीजेपी से जुड़ गए हैं विजय बहादुर पाठक जी, प्रवक्ता हैं, यूपी प्रवक्ता हैं बीजेपी के। विजय बहादुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधन न्यूज में। जी विजय बहादुर जी, आज जिस तरीके से रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने रेल बजट पेश किया, अंतरिम रेल बजट था, कितना संतुष्ट हैं आप इस रेल बजट से? पाठक जी, क्या हमारी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है। पंकज पांडे हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं। पंकज, रेल बजट पेश किया, अंतरिम रेल बजट पेश किया, लेकिन जो आम जनता है उसके लिए क्या कुछ इस बजट में खास रहा, कितना फायदेमंद रहा आम जनता के लिए? बिल्कुल अंजलि, जब भी रेल बजट पास होता है तो आमतौर पर यही उम्मीद की जाती है कि जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, जनता को कुछ नई सौगातें मिले, और ये मानकर चला भी जाता है कि चुनावी साल है तो ऐसे में सरकार आम लोगों को लुभाने के लिए कुछ नई सौगातें दे सकती है। तो सौगातों के नाम पर हम देखें तो सिर्फ कुछ ट्रेनें मिली है, 38 जो है एक्सप्रेस ट्रेनें मिली हैं, 17 प्रीमियम ट्रेनें मिली हैं, 10 पैसेंजर ट्रेनें मिली हैं, इसके अलावा 4 EMU और 4 डेमू ट्रेनें मिली हैं। तो निश्चित तौर पर आप सौगातों के नाम पर यदि हम बात करेंगे यहाँ पर जनता के लिए क्या कुछ रहा, तो सिर्फ ये ट्रेनों के नाम है, लेकिन इसमें भी ज़्यादा ट्रेनें जो है वीकली हैं, तो आम जनता को बहुत ज़्यादा फायदा इस बजट से नहीं मिला है। लेकिन राहत की बात आप कह सकते हैं, राहत के लिए बात यह है कि न माल भाड़ा में वृद्धि की गई और ना ही यात्री किराए भाड़े में वृद्धि की गई, तो ये कम से कम आप जनता राहत की सांस ले सकती है इस मुद्दे पर, किराए को लेकर, क्योंकि आमतौर पर हमने यूपी 2 का कार्यकाल देखा है तो महंगाई के बोझ तले जनता पूरी तरह से दबी हुई है, और हर एक चीज के, चाहे वह बात कर लें बिजली की बात कर लें, पानी की बात कर लें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात कर लें, हर जगह जो है महंगाई कहीं ना कहीं बढ़ी है। तो ऐसे में यदि रेलवे किराया नहीं बढ़ता है
तो ये भी कहीं ना कहीं जनता इस बात को लेकर राहत की सांस ले सकती है। हालांकि उम्मीदें तो यही थी कि चुनावी साल है तो किराए में कमी हो सकती है, कुछ नई ट्रेनें चल सकती हैं, सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, कुछ नए तरीके से जो है लोगों को जो वेटिंग टिकट मिलता है उसको कन्फर्मेशन के लिए कुछ नई प्रक्रिया शुरू की जाएगी, कुछ ऐसी घोषणाएं की उम्मीद थी लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हम राहत की सांस ले सकते हैं कि किराए में बढ़ोतरी नहीं की गई है। एक खास बात इस बजट में रही कि अब यात्री किराए भाड़े या फिर माल भाड़े के लिए एक प्राधिकरण जो गठित किया जाना है इसकी जानकारी आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बजटीय भाषण में कहा। हालांकि साफ नहीं हो पाया कि प्राधिकरण किस तरह से काम करेगा, क्या वो आमदनी और खर्च के बीच में एक समीकरण बिठाते हुए इस शुल्क को तय करेगा या फिर किस तरह से तय होगा, लेकिन फिर भी एक नई प्रक्रिया की शुरुआत की है और कहा है कि प्राधिकरण ही है अब आने वाले दिनों में यात्री किराए भाड़े का या फिर माल भाड़े का निर्धारण करेगा। तो एक प्राधिकरण के तौर पर एक नई चीज जरूर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सामने रखी है। जी पंकज, रेलवे में काफी समय से जो FDI है वो लाने की बात चल रही थी और जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे सुधारने के लिए ये बात चल रही थी कि रेलवे में जो FDI है वो लाई जाए, लेकिन आज FDI नहीं आई, कहीं ना कहीं इसमें भी निराशा हाथ लगी है, कुछ भी इस बारे में नहीं बात हुई। देखिए बताना चाहूंगा अंजलि कि FDI की जो सीमा है वो जो FDI को लागू कर दिया गया है कि रेलवे में भी FDI आए, क्योंकि निश्चित तौर पर पिछले दिनों एक जो चर्चा हो रही थी और लगातार संकेत भी मिलते सरकार से कि रेलवे का निजीकरण हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, इसको लेकर रेलवे के कर्मचारियों ने काफी लंबा आंदोलन किया, कई मौकों पर आंदोलन किया गया और उसके बाद आखिरकार सरकार ने ये माना कि रेलवे को उसके उसी हाल पर हम छोड़ नहीं सकते, इसलिए निश्चित तौर पर इसमें निवेश की जरूरत है, इसलिए FDI हम लेकर आए और FDI को मंजूरी दी गई। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि FDI आए कैसे, आखिर रेलवे में जब लगातार घाटा हो रहा है, घाटे की बात सरकार कहती है और घाटे को की भरपाई के लिए माल भाड़े में वृद्धि की जाती है या फिर यात्री किराए में वृद्धि की जाती है, जो कॉस्ट कटिंग जो है वो की जाती है, तो ऐसे में FDI जो भी एक निवेशक होगा आखिर वो निवेश करने के लिए आएगा क्यों, इस बात की जानकारी मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं दी है कि आखिर। बिल्कुल पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए। UPRLD के प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना सिंह चौहान जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है मुन्ना सिंह चौहान जी आपका सादा न्यूज में। आपका भी स्वागत जी। मुन्ना सिंह चौहान जी, जिस तरीके से आज रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने रेल बजट, अंतरिम रेल बजट पेश किया, कितने संतुष्ट हैं आप इस अंतरिम रेल बजट से? देखिए अंतरिम रेल बजट से संतुष्ट असंतुष्ट का कोई सवाल नहीं उठता क्योंकि ये तो 4 महीने के लिए काम चलाऊ बजट होता है जी, लेकिन ये बजट से दिखाई पड़ रहा है कि अगर ये सरकार फिर से आई तो रेल की सुविधाओं में विस्तार अच्छा करेगी जी। हाँ, क्योंकि कोई भी इमारत जब उसका न्यू मजबूत होता है जी, तो इमारत मजबूत होती है। अभी तो 4 महीने के बजट से कोई ये आकलन नहीं निकाला जा सकता है जी, लेकिन इनका संकेत अच्छा है कि दोबारा ये आएंगे तो अच्छा काम करेंगे जी। मुन्ना सिंह चौहान जी, मेरे सहयोगी पंकज पांडे भी हमारे साथ हैं इस चर्चा में। पंकज जी, आप मुन्ना सिंह चौहान जी से पूछना चाहेंगे? जी पंकज जी, हेलो जी, आवाज नहीं आ रही, शायद आवाज नहीं आ रही है। मुन्ना सिंह चौहान जी, मैं आपसे प्रश्न कर रही हूँ, आप कितना फायदेमंद, कितना, क्या आप भी मानते हैं कि जो ये बजट पेश किया गया, रेल बजट, अंतरिम रेल बजट पेश किया गया, ये एक चुनावी रेल बजट है, इसे चुनावी रेल बजट ही मानकर चला जाए? ये ऐलान बहुत किए गए लेकिन पूरा कब होगा और कितना होगा ये शायद इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। तो ये आलोचना कर रहे हैं वो भी जानते हैं कि जब चुनाव होने वाला है अप्रैल में तो 4 महीने का अंतरिम बजट पेश किया जाता है, अब उसको चुनावी बजट कहो या जो परंपरा है वो बजट कहो, लेकिन जो बजट पेश किया उन्होंने संतुलित तो किया जी। मुन्ना सिंह चौहान जी, मेरे सहयोगी पंकज पांडे इस चर्चा में शामिल हो गए हैं। पंकज जी, आप प्रश्न पूछिए मुन्ना सिंह चौहान जी से। जी पंकज जी, जो चौहान साहब, ये भी आप जानना चाहूंगा कि एक जो बड़ी राहत की बात जो आ रही है, कम से कम आपने कहा कि चुनावी बजट तो है लेकिन सरकार चाहती तो हो सकता है कुछ किराए में कमी कर सकती थी, माल भाड़े में कमी कर जनता को लुभा सकती थी और महंगाई को कम कर सकती थी, लेकिन क्या ये राहत की बात नहीं है कि किराए में बढ़ोतरी नहीं की गई, माल भाड़े में बढ़ोतरी नहीं की, क्योंकि आमतौर पर महंगाई से त्रस्त है जनता, तो आप इसे कह सकते हैं कि जनता को राहत तो मिली ही है इस बजट से? नहीं नहीं, जनता को तो राहत मिली है जबकि डीजल के दाम बढ़े हैं, उसके बाद भी रेल किराए में बढ़ोतरी ना होना, बिजली में भी देखा आपने बहुत सी प्रदेश की सरकारों ने बिजली का रेट बढ़ा दिया है, तो ऐसे में किराए का बढ़ोतरी ना करना ये तो यात्रियों के लिए राहत है ही है, इसमें कोई दो राय थोड़ो है। हेलो जी मुन्ना जी, जी मुन्ना सिंह चौहान जी, जिस तरीके से अब एक जो रेलवे कारखाना है वो रायबरेली में लाने की बात कही गई है, ये रायबरेली प्रेम इसे कहा जाए कांग्रेस का?
रायबरेली में तो रेल कोच का कारखाना भी तो पहले से लगा हुआ है जी। एक और कारखाना लाने की बात यहाँ पर की गई है। अगर कोच कारखाना और रेल का इंजन बनाने वाला दोनों कारखाना इकट्ठा हो जाएगा तो थोड़ा और जो है आसानी होगी। रायबरेली को ही इतना प्रेम का निचावर क्यों? रायबरेली में कारखाना लगने का एक और अर्थ है कि देखिए इस समय किसान अपनी जमीन देना नहीं चाहता और रायबरेली में जो है ऊसर बंजर जमीन ज्यादा है, तो अगर उन जमीनों को लेकर के वहाँ कोई कारखाना लगता है तो हम समझते हैं कि किसान का भी नुकसान नहीं होता और कारखाना भी लग जाता है जी। चलिए शुक्रिया मुन्ना सिंह चौहान जी हमसे जुड़ने के लिए और साधन न्यूज से बात करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।